तो आप उसको ज्ञान दीजिए, समझदारी दीजिए, ताकि अपना जो कमाता है उसी की सीमा मर्यादा में रहे तो खूब प्रसन्न रहेगा और खुश रहेगा। ज्ञान से बढ़िया नहीं, ज्ञान एन सदस पवित्र मे विद्यते, ज्ञान से बढ़कर के और कोई चीज़ दुनिया में नहीं, दुनिया में नहीं है। आपको ज्ञान बांटना है, कहाँ से ज्ञान बांटेंगे? ज्ञान को खरीदिए और बांट दीजिए। काय से खरीदें? आपके पास दो सामान हैं, कौन से सामान हैं? एक है आपके पास साधन और एक है आपके पास श्रम। संतान और निस्तान दोनों को निकालने की बात आप कीजिए। आपको आप तो मुसीबत में डालते हैं, हम क्या करें? आप मुसीबत में नहीं डालें, त्याग के लिए नहीं डालें। हमारे हमारे बॉस को देखिए ना, हमारी जवानी छीन ली, हमारा शरीर छीन लिया, हमारा हमारी अकल छीन ली, सारे का सारा, न हमको एमए करने दिया और न हमको पीएचडी करने दिया, न हमको कुछ भी करने दिया, जो कुछ भी था सब उसने करे, क्या करेगा अपने लिए? जो है कुछ ऐसा उसी को निकाल के रख, जो कुछ था हमारे पास वही निकाल के रखा और उसी से हम निहाल हो गए। अब आपके पास जो कुछ भी है उसको निकालने की तैयारी कीजिए। आपका जीवन एक काम के लिए होना चाहिए, विचारों के लिए, विचार क्रांति के लिए। विचार क्रांति के लिए हमने आपसे नहीं कहा है, हमने सारी जिंदगी भर कहा है, एक बात कही है, दूसरी कुछ बात कही नहीं है। कोई और बात कही है हमसे? क्या बात कहें आपसे? मिठाई खिला दीजिए, दावत दे दीजिए, तीर्थ यात्रा हुआ, ये नहीं, ये बात हम नहीं कह सकते क्योंकि ये शरीर के द्वारा है, भावना की बात नहीं है। भावना से जब तक आपकी भावना का उदीयमान होगी, भावना आपकी जगेंगी नहीं, भावना आपकी प्रदीप्त नहीं होगी, तब तक आपका जीवन, आपका स्वयं का जीवन और आपके विचारों की संगति नहीं बैठेगी। और जब तक दोनों की संगति नहीं बैठेगी तब तक आप किसी की सेवा नहीं कर सकेंगे, आप किसी को ऊंचा नहीं उठा सकेंगे, आप किसी को महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं बना सकेंगे, आप किसी के दुखों को दूर नहीं कर सकेंगे। आपको समाज के लिए सिर्फ एक काम करना है, एक सिर्फ एक काम करना है, लोगों के विचार बदल देने हैं। तो हम कहाँ से शुरुआत करें? अपने से शुरू करिए। विचारों को बदलना शुरू करेंगे तब फिर क्या हो जाएगा? तब फिर आप देखना सारी दुनिया के विचार बदलने में आप समर्थ हो जाएंगे। हम समर्थ हुए, 20 लाख आदमियों को हमने विचारों को बदल दिया है। और आप तो मर गए, 20 लाख बंद हो गए? नहीं, अभी तो हम बहुत जिंदा हैं, अभी तो हमको लाखों हजारों वर्ष जिंदा रहना है। और जब तक हमारा ऐसा ख्याल है कि 20 करोड़ नहीं 500 करोड़ों तक हमारी हिम्मत है कि हम 500 करोड़ों के ख्याल, 500 करोड़ लोगों के विचार वो बदल देने में सामर्थ्य हो जाएंगे। ये कैसी, कहाँ से सामर्थ्य आई? ये बाजार में से नहीं खरीदी है, ये हमने सामर्थ्य वहाँ से आई जहाँ के अपना चिंतन और जहाँ अपना चरित्र और जहाँ अपने विचार को हमने मिला लिया। जाने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए हमारी बात को सुना है, लोगों ने हमारी बात को गौर किया है। बस इस तरह का है, यही आपसे कहना है। अगर आप सुन सकें तो हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बड़ी प्रार्थना है, हमारी बड़ी कामना है। बस हमारी एक ही बात सुन लीजिए कि दुनिया को ज्ञान की बेहद जरूरत है, ज्ञान के बिना एक समस्या नहीं है। और ज्ञान को अगर आप बांट, पात्रता दो ही कीमत पर बढ़ सकती है और तीसरा कोई तरीका नहीं है। माला घुमाने से बढ़ेगी? नहीं, माला घुमाने से नहीं बढ़ेगी। भागवत की कथा सुनने उससे बढ़ जाएगी? अरे बाबा नहीं बढ़ेगी। हम कहते हैं आपसे, जो भागवत पढ़ने वाले की नहीं बनी उनको चोर और उठाएगी रे, हमने देखा है। तो फिर आपको सत्यनारायण कथा सुनने से और रामायण की कथा सुनने से और भागवत की कथा सुनने से कैसे हो जाए? बेकार की बात, बच्चे आप पागलों की तरीके से ऐसे मत कीजिए। ये अध्यात्म सुनने का नहीं है, कहने का नहीं है, सुनने का नहीं है, कहने का नहीं है। नाम लेंगे आप, राम नाम लेंगे, नमः शिवाय जप करेंगे, आपकी मर्जी है, करें तो आपकी मर्जी है और न करें तो आपकी मर्जी है। न मैं आपसे इसके महत्व को अनावश्यक रूप से बढ़ाना चाहूँगा, न आपको कम करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये करना चाहूँगा कि आप अपनी पात्रता को विकसित कर लीजिए। पात्रता को विकसित करने से हमारे धर्मशास्त्र सारे के सारे बड़े हुए पड़े हैं। गाड़ी वाला रह के बीमारों को, दुखियारों को अपनी गाड़ी में बिठा करके अपंगों को ले जाता था और वहाँ से ले जाता था, गाड़ी उसकी इसी काम की थी। जलाराम बापा का नहीं सुना है क्या आपने? वो मेहनत करते थे और मशक्कत करते थे, लेकिन जो कमाई उनके पास आती थी उसको सबको बांट देते थे, खाते नहीं थे। इसी तरीके से आप खाने में की बात कम कीजिए। औसत भारतीय के हिसाब से ये देखिए कि जिस मुल्क में आप पैदा हुए हैं, जिस समाज में आप पैदा हुए हैं, जिस देश में आप पैदा हुए हैं, बस उसी स्तर का अपना खर्च रखिए। खर्चे को आप बढ़ाएंगे नहीं तो फिर आपके पास बहुत सारा साधन इकट्ठा हो जाएगा जिससे कि आप भगवान के लिए दे पाएँ। बीज
बो पाए और बीज बो पा करके बोने के बाद में रद्दियों सद्दियों के जखीरे अपने लिए जमा कर पाएँ, यह संभव तब होगा जबकि आप कुछ अपने आप से बचाना शुरू करें, लोभ से आप अपने आप को बचाना शुरू करें। लालच आपके पैर से लेकर के सिर तक डूब गया है, सारी जिंदगी भर कमाया लेकिन कमाने का सिर्फ वही तरीका अपने खा लिया, शौक मौज के लिए खा लिया, बाल बच्चों के लिए जमा कर लिया, बस रिश्तेदारों के लिए दे दिया, साले साली को दे दिया, बस इसके अलावा कुछ किया है कि आपने? ज्ञान को आप ग्रहण नहीं कर पाते, सुनते तो हैं आप, देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन आप ग्रहण नहीं कर पाते। आप ज्ञान को ग्रहण कीजिए, जब आप ज्ञान को ग्रहण कर लेंगे, अपने जीवन में उतार लेंगे, तब फिर आपके लिए संभव होगा सारे के सारे समाज को उस ज्ञान को दें, और तब फिर ये संभव होगा आप सारी समस्याओं के समाधान कर दें। आप रुपया बांट करके गरीबी दूर नहीं कर सकते, गरीबी मिटाओ बेशक, गरीबी मिटनी चाहिए, तो आपको कितना चाहिए इसके लिए? करोड़ों करोड़ रुपया चाहिए, जबकि आप हर आदमी की गरीबी मिटाएं तब, और क्यों साहब करोड़ों करोड़ रुपया न हो तब, तो आप उसको ज्ञान दीजिए, समझदारी दीजिए, ताकि अपना जो कमाता है उसी की सीमा मर्यादा में रहे तो खूब प्रसन्न रहेगा और खुश रहेगा। ज्ञान से बढ़िया नहीं, ज्ञान है न सदस पवित्र मे विद्यते, ज्ञान से बढ़कर के और कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। आपको ज्ञान बांटना है, कहाँ से ज्ञान बांटेंगे? ज्ञान को खरीदिए और बांट दीजिए। काय से खरीदें? आपके पास दो सामान हैं, कौन से सामान हैं? एक है आपके पास साधन और एक है आपके पास श्रम। संतान और निस्तान दोनों को निकालने की बात आप कीजिए, आपको आप तो मुसीबत में डालते हैं, हम क्या करें? आप मुसीबत में नहीं डालें, त्याग के लिए नहीं डालें। हमारे बॉस को देखिए ना, हमारी जवानी छीन ली, हमारा शरीर छीन लिया, हमारी अकल छीन ली, सारे का सारा, न हमको एमए करने दिया और न हमको पीएचडी करने दिया, न हमको कुछ भी करने दिया, जो कुछ भी था सब उसने करे, क्या करेगा अपने लिए? जो है कुछ है सो उसी को निकाल के रख, जो कुछ था हमारे पास वही निकाल के रखा और उसी से हम निहाल हो गए। अब आपके पास जो कुछ भी है उसको निकालने की तैयारी कीजिए। आपका जीवन एक काम के लिए होना चाहिए, विचारों के लिए, विचार क्रांति के लिए। विचार क्रांति के लिए हमने आपसे नहीं कहा है, हमने सारी जिंदगी भर कहा एक बात कही है, दूसरी कुछ बात कही नहीं है। कोई और बात कही है उनसे? क्या बात कहें आपसे? मिठाई खिला दीजिए, दावत दे दीजिए, तीर्थ यात्रा हुआ, ये नहीं, ये बातें हम नहीं कह सकते क्योंकि ये शरीर के द्वारा है, भावना की बात नहीं है। भावना से जब तक आपकी भावना का उदीयमान होगी, भावना आपकी जगेंगी नहीं, भाव